हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी है सूजी और आटे की ठेकवा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें सूजी चाहिए, तो जो मैंने यहाँ पे ले ली है, सूजी को निकाल लिया है। अब इसको भिगोने के लिए पानी डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे चाहिए जो हमें वो है शुगर, और इसको भी पानी में भिगोते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये हमें चाहिए यहाँ पे मूंगफली और वो और शौक चाहिए हमें। तो इतना इंग्रेडिएंट हमें चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। मूंगफली को भून लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को ले लिया है और भून लेते हैं थोड़ी देर। आटे को ले लिया है और मूंगफली को भून के इसका छिलका यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। तो अब इस आटे में सबको मिक्स करते हैं। तो ये मैंने शॉप को मिक्स कर लिया और मैंने भुने हुए मूंगफली को भी मिक्स कर लिया। सो अब हमें जो करना है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें सूजी जो हमने जो भिगाया हुआ सूजी था उसमें उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फटाफट से। तो ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उससे पहले जो शुगर हमने तैयार किया था उसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबको मिक्स कर लिया यहाँ पे अच्छी तरह से। और यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं सबको अच्छी तरह से। तो मैं थोड़ा सा स्किप करती हूँ वीडियो को ताकि मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गूंद लिया है आटे को, और थोड़ा सा टाइट गूंदा है और टाइट ही गूंदना है हमें। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको इस साइज में आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है। इसको इस तरह से बना लेना है, इसको यहाँ पे डाल दिया है। इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। चुका है तो मैं इसे प्लेट में उठा लेती हूँ। तो ये हमारे पास बन चुका है हमारा डिश।